सनसनी ऑफ इंडिया। बर्थडे पार्टी के दौरान सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ कशन मारना दो युवकों को भारी पड़ गया। दिल्ली में कुछ युवकों द्वारा पिस्टल लहराते हुए डांस का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें युवक पिस्टल लहराते हुए डांस कर रहे थे। इंस्टाग्राम पर लाइव के दौरान किसी ने इनका वीडियो बना लिया था और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। हथियारों के साथ कशनबाजी का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, वैसे ही दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई। स्पेशल स्टाफ साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और वीडियो फुटेज की मदद से वायरल वीडियो में हथियार लेकर कशन मार रहे दो युवकों को दबोच लिया। आरोपियों की पहचान 19 वर्षीय विशाल उर्फ पिट्ठल व 18 वर्षीय प्रशांत के रूप में हुई है। दोनों गौतमपुरी बदरपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से दो देशी कट्टे व दो कारतूस बरामद किए हैं। 30 तारीख को शुक्रवार को एक वीडियो प्राप्त हुआ था मुझे अपने मीडिया ग्रुप पे, व्हाट्सएप मीडिया ग्रुप पे, जिसपे कुछ लोग असला के साथ नाचते हुए दिख रहे हैं और कुछ लोग कार्टेज दिखा रहे हैं, बल्कि एक व्यक्ति नाच रहा है, कार्टेज दिखा रहा है। इस पर एक्शन करते हुए और इनको क्रिमिनल्स को लोकेट करके इनको अरेस्ट करने के लिए टीम बनाई गई स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर दिनेश मोराल के अंदर। दक्षिण पूर्व जिले के डीसीपी राजेश देव ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अवैध हथियारों के साथ देख रहे लड़कों को ट्रैक करके दबोचने की जिम्मेवारी दिनेश मोरल इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ दक्षिण पूर्व जिला के नेतृत्व में एसआई नवीन कुमार तेजान, आकाश तोमर, फूल सिंह, एएसआई राजेंद्र सिंह, कांस्टेबल लखन, राजेंद्र प्रसाद व राजेंद्रा की एक टीम का गठन किया। दक्षिण पूर्व जिले के डीसीपी राजेश देव का अपने जिले में क्रिमिनलों को क्लियर व कड़ा मैसेज है कि क्राइम छोटा हो या बड़ा, क्रिमिनलों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। क्रिमिनल अपने दिमाग से गलत फहमी निकाल दे कि अपराध करके वो बच जाएगा। क्राइम को अंजाम देने वाले क्रिमिनल के साथ साथ क्राइम में क्रिमिनल की किसी भी रूप में मदद करने वाले को भी बख्शा नहीं जाएगा। टास्क मिलते ही इंस्पेक्टर दिनेश मोरल ने सबसे पहले वायरल वीडियो की ऑथेंटिसिटी जानने के लिए टेक्निकल टीम की मदद ली, तो पता चला कि यह वीडियो बदरपुर इलाके का है, लेकिन बदरपुर में किस जगह का है ये पता नहीं चल पा रहा था। टीम ने वायरल वीडियो को बारीकी से स्कैन किया तो देखा कि वीडियो में नाचते हुए दो लड़के देशी कट्टा और जिंदा कारतूस दिखाते हुए दिख रहे थे। वायरल वीडियो बदरपुर में किस जगह का और किस डेट का है ये जानने के लिए इंस्पेक्टर दिनेश मोरल ने वीडियो में दिख रहे लड़कों की फोटो को टेक्निकल इक्विपमेंट की मदद से क्लियर किया और फोटो अपने नेटवर्क में फैला दी। टीम की मेहनत रंग लाए। टीम को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि वीडियो में दिख रहे लड़के बदरपुर में गौतमपुरी इलाके के रहने वाले हैं। आरोपियों के ठिकाने का पता चलते ही टीम ने और जानकारी जुटाने के लिए गौतमपुरी इलाके के एक्टिव क्रिमिनलों का डोजियर स्कैन किया तो यह पाया गया कि वायरल वीडियो में कारतूस दिखा रहा व्यक्ति विशाल उर्फ बिटल है। आरोपियों की पहचान होते ही टीम ने आरोपियों के सस्पेक्ट ठिकानों पर छापेमारी की तो पता चला कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद से ही आरोपी घर नहीं आए हैं। छापेमारी के दौरान टीम को आरोपियों के मोबाइल नंबर मिल गए थे। मोबाइल नंबर मिलते ही टीम टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपियों की एक्टिविटी और मूवमेंट पर नजर रखने लगी। टेक्निकल सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से टीम को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि दिनांक 1 जुलाई की रात लगभग 9:30 विशाल उर्फ बिट्ठल अपने सहयोगी के साथ नियोनिडा कंपनी बस स्टैंड मेन मथुरा रोड मोहन कोऑपरेटिव बदरपुर में वारदात करने की फिराक में आएगा। इन्फॉर्मेशन मिलते ही इंस्पेक्टर दिनेश मोरल की टीम ने एक जाल बिछाया। 10:50 दो सस्पेक्ट आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम को देखते ही दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने दौड़कर दोनों को दबोच लिया। और 1 तारीख के रात में लगभग 10:30 दो लोगों को अप्रीहेंड किया हमने, विशाल एलियस बिट्टल को और प्रशांत को। जो लड़का असला दिखा के नाचते हुए दिख रहा है वो विशाल है, इसके ऊपर एक पूर्व में एक केस है। और दूसरा लड़का प्रशांत है जो कार्टेज डिस्प्ले कर रहा था। हमने इसको सीरियसली लेते हुए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की वीडियोज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने इमीडिएटली इस पे एक्शन किया है और दोनों क्रिमिनल्स को हमने आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया है। एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया 1 तारीख को। ये जो ऑनगोइंग हमारा एक एक्सरसाइज चल रहा है, एक ड्राइव चल रहा है क्रिमिनल्स के अगेंस्ट, उसी का ये पार्ट है। आरोपियों की पहचान मकान नंबर 2048 फेज 1 पीपल चौक गौतमपुरी निवासी 19 वर्षीय विशाल उर्फ पिट्ठल पुत्र बिट्टू व मकान नंबर 1213 फेज 1 जेई ऑफिस के पास गौतमपुरी निवासी 18 वर्षीय प्रशांत पुत्र पवन के रूप में हुई। तलाशी लेने पर इनके कब्जे से दो कंट्री मेड पिस्टल व दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ में पता चला कि 30 जून को प्रशांत का बर्थडे था और उसी के बर्थडे पार्टी में डांस के दौरान हथियार के साथ एक रील बनाया गई थी, जो बाद में वायरल हो गया था।
इस मामले में FIR संख्या 222/23 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत थाना बदरपुर में मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी विशाल उर्फ बिट्ठल के खिलाफ पहले से ही थाना सरिता विहार में एक आपराधिक मामला दर्ज है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 सनसनी ऑफ इंडिया। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया।